इराक के बाद सीरिया में भी आईएसआईएस के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि इराक की जंग में हार खाने के बाद सीरिया में बगदादी के गुर्गे सीरियाई फौज के निशाने पर है। सीरियाई सेना के स्नाइपर उन्हें चुन चुन कर अपना निशाना बना रहे हैं। सीरियाई सेना की ये स्नाइपर यूनिट आईएसआईएस के आतंकवादियों के लिए मौत का दूसरा नाम बन चुकी है। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा। सीरिया के जंगे मैदान में आईएस पर बरसी मौत। आईएस के गुर्गों पर सीरियाई स्नाइपरों की नजर। उनके कदमों के आहट से कांपे बगदादी के लड़ाके। मीलों दूर से वो बांट रहे हैं दुश्मनों को मौत। सीरियाई स्नाइपर्स के निशाने पर आईएसआईएस के आतंकियों के सर। चुन चुन कर आईएस के गुर्गों को बना रहे हैं अपना निशाना। आईएस के आतंकियों की एक हरकत पर दबता है ट्रिगर। पलक झपकते ही वो हो जाता है फना। आईएसआईएस के गुर्गों के लिए बन चुके हैं सीरियाई स्नाइपर्स मौत का दूसरा नाम। स्नाइपर यानी वो शय जो दिखती तो नहीं, बल्कि उसके निशाने पर आने पर कोई भी शख्स जिंदा नहीं बच पाता। स्नाइपर यानी चलती फिरती मौत, बिल्कुल हवा की तरह, जो ना तो किसी को दिखाई देती है और ना ही किसी को सुनाई देती है, लेकिन उसकी बंदूक से निकली गोली उसकी मौजूदगी का एहसास करा देती है। स्नाइपर यानी वो निशानेबाज जो अपनी सांसें रोके, हाथ में बंदूक थामे, अपने शिकार पर अपनी नजरें गाड़ कर रखता है, और जैसे ही उसकी आंखों को अपने शिकार की हल्की सी जुम्बिश दिखाई देती है, ट्रिगर पर रखी उंगली भी हरकत में आ जाती है और फिर बंदूक की नली से निकले तकरीबन 3400 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से मौत सीधे शिकार के जिस्म को छलनी कर देती है। ये तस्वीरें आपको जरूर फिल्मी लग रही होंगी, लेकिन ये वो हकीकत है जिससे अब इस्लामिक स्टेट के गुर्गे रूबरू हो रहे हैं, और ये हकीकत आतंक के आका अबू बकर अल बगदादी और उसके आतंकवादियों के लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आई है। दरअसल ये वीडियो सीरिया ने कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर जारी किया था, और इस वीडियो में दिखने वाले निशानेबाज असल में सीरियाई फौज के जांबाज स्नाइपर्स हैं, जिनका निशाना कितना सटीक और अचूक है वो इस वीडियो में अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में सीरियाई स्नाइपर्स दमिश्क और आसपास के इलाकों में जगह जगह आईएस के तैनात गुर्गों का खात्मा करते दिखाई दे रहे हैं, यानी दूसरे लफ्जों में कहें तो बगदादी के भेड़ियों की अब शामत आ चुकी है।
सीरियाई स्नाइपर्स कभी कमरे के अंदर की दीवार में बने एक छेद से तो कभी हरी और घनी घास की पोशाक में पहने शिकार पर अपनी पलक झपकाए घंटों तक टकटकी लगाए रहते हैं, और उसके बाद जैसे ही उनका शिकार उनकी बंदूक की जद में आता है वैसे ही बंदूक के ट्रिगर पर रखी उंगली में एक हरकत होती है और उधर उनका दुश्मन पल भर में ढेर हो जाता है। गोलियों की तड़तड़ाहट के उस पार का मंजर क्या होता होगा इसका अंदाजा आप दूसरी तरफ की तस्वीरों में लगा सकते हैं। दूरबीन से झांक रहे टारगेट के गोल निशान का पीछा करें तो देखिए किस तरह पहले ये निशान अपने शिकार पर आकर रुक जाता है और जैसे ही सामने खड़ा जिस्म हरकत करता है बंदूक से गोली निकलकर सीधे शिकार के जिस्म में पेवस्त हो जाती है। गोली लगते ही आईएसआईएस का हैवान जमीन पर गिर जाता है, लेकिन सीरियाई फौज के स्नाइपर को जब तक ये यकीन नहीं हो जाता कि उसका शिकार दम तोड़ चुका है तब तक वो अपनी राइफल से गोली चलाता रहता है। दूरबीन की नजर से झांकने वाला ये टारगेट का निशान इस वक्त बगदादी के गुर्गों के लिए किसी काल से कम नहीं है। तभी तो जैसे जैसे उसकी नजर के सामने वो भेड़िए आते हैं एक के बाद एक वो लाश में तब्दील होते जाते हैं। शिकार चाहे जितना भी दूर हो या किसी भी कोने में छिपा हो लेकिन उन पर नजर रखे सीरियाई स्नाइपर्स की निगाहों से उनका बच पाना नामुमकिन है। क्योंकि आंख मिचौली खेल रहे सीरियाई स्नाइपर्स ऐसी ऐसी जगहों से अपने दुश्मनों पर घात लगाए बैठे हैं जहां आईएसआईएस के गुर्गे तो उन्हें नहीं देख सकते, अलबत्ता उनके निशाने पर बगदादी के आतंकियों के सर जरूर रहते हैं। सीरियाई फौज के इन स्नाइपर्स को अच्छी तरह से मालूम है कि आईएसआईएस के किसी भी गुर्गे को देखने के बाद उन्हें क्या करना है। इस्लामिक स्टेट के सांप चाहे किसी भी बिल में छिपे हों लेकिन सीरियाई स्नाइपर्स उन्हें उनके बिलों से बाहर निकालकर खाक में मिलाने में जुटे हुए हैं। ये सीरियाई आर्मी के स्नाइपर्स की सबसे बड़ी खासियत है जिसके बूते वो चुन चुन कर बगदादी के भेड़ियों को नेस्ता नाबूद कर रहे हैं। दरअसल इस वीडियो को जारी करने का सीरियन आर्मी का मकसद सिर्फ अपनी ताकत दिखाना नहीं है बल्कि इस्लामिक स्टेट के खलीफा बगदादी को एक पैगाम भेजना है कि अब इराक और सीरिया में बगदादी और उसके गुर्गों का सफाया बिल्कुल तय है।